दलित महिला प्रधान परिवार को जमकर पीटा। सूत्रों के अनुसार दबंग लोग चाहते थे दलित महिला की प्रधानी कब जाना। यह पूरा मामला 23 जून की शाम का है। गांव के ही दबंग लोग दीपक चौहान, मुकेश, सतेंद्र, विशाल पाल सहित एक दर्जन लोगों ने लाठी डंडे लेकर प्रधान कलावती के घर पर धावा बोल दिया और कहने लगे, हमने तुझे प्रधान बनवाया है, प्रधानी हम चलाएंगे, तुझे नहीं चलाने देंगे और अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। इतने पर प्रधान कलावती के परिवार वालों ने दबंगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दबंग व्यक्ति लड़ाई पर उतारू हो गए और जाति सूचक गालियां देते हुए दलित प्रधान सहित उसके परिवार वालों पर टूट पड़े, जिसमें प्रधान पक्ष के कुंवर पाल, जो कि प्रधान पति का भाई था, को गंभीर चोटें आई थी, जिसने इलाज के दौरान 3 जुलाई को दम तोड़ दिया। प्रधान पक्ष ने घटना की सूचना 23 जून को ही कोतवाली पुलिस विसौली को दे दी थी। पुलिस ने घायलों को मेडिकल उपचार के लिए भेजा था। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि दबंग लोग ही प्रधानी को संचालित कराते थे, लेकिन अब प्रधान ने उनसे गैर कानूनी काम कराने से मना कर दिया, जिससे गुस्साए दबंगों ने मारपीट कर दी, जिसमें दलित महिला प्रधान के देवर की जान चली गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने दबंगों से साठ गांठ कर रखी है, जिसके चलते दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दबंगों के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 सहित SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा लिया है, लेकिन घटना के 19 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों में से किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही कोई दबिश दी गई है। दबंगों ने अपना बचाव करते हुए कोतवाली पुलिस को मारपीट करने की तहरीर दी है, जिसमें भी पुलिस ने दबंगों की ओर से दलितों पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पर दलित पक्ष ने कहा कि पुलिस कार्यवाही करने की जगह उन पर ही दबाव बना रही है, जबकि दबंगों द्वारा उन्हें जान से मार देने की धमकी लगातार मिल रही है। पुलिस सही से कार्यवाही नहीं करना चाहती। पीड़ित दलितों का कहना है कि अब हमें मीडिया से ही आस है, हमें न्याय मीडिया के द्वारा ही मिल सकता है। मैं आपका जी, मेरा नाम मुनीश है। कहाँ के रहने वाले हैं? दौलतपुर के रहने वाले हैं जी। 23 तारीख को जो 23 जून निकल गया, उसको आपके यहाँ पर, आपके घर पर क्या घटना घटित हुई? जी, घटना घटी थी, कुछ लोग दबंग लोग आए थे हमारे घर पे, मुनीश, बिंटू, दीपक, राहुल, सतेंद्र, विजेंद्र, सारे 12 लोग हैं करीब, जे आए थे। प्रधानी के मतलब कहने लगे, प्रधानी हम चलाएंगे, हम चलाएंगे। हमने कहा, आप क्यों चलाओगे, मतलब प्रधानी हम चलाएंगे। इसी दौरान झगड़ा होने लगा, तो हमारे पिताजी ने कहा सुनी कही, उनको भी खूब मारा, जो मौजूदा कलावती प्रधान है उन्हें भी खूब मारा, हमारे भाई को काफ़ी चोट आई है, और फिर हमारे पिताजी मारते मारते बेहोश कर दिया उन्हें वहीं पर। फिर उन्हें हम बिसौली थाने ले गए, अस्पताल भी ले गए, वहाँ से बदाऊँ ने उन्हें रेफ़र कर दिया, बदाऊँ से फिर बरेली रेफ़र कर दिया, बरेली से हम दिल्ली ले पहुँचे, उनकी गुरु तेग बहादुर में 3 तारीख को मौत हो गई। फिर वहाँ से हम घर ले आए, पुलिस प्रशासन से हमने सूचना दी, हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, उन लोगों ने पैसे खा लिए हैं, मतलब उनकी मदद करी, वो दबंग लोग हैं, गरीब आदमी की पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है। आपके घर में कौन प्रधान है, उनका नाम बताइए? प्रधान कलावती हैं जी, उनको भी काफ़ी चोटा आई हैं। वो आपकी कौन है? जी, हमारी ताई हैं वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने दिन हो गए इस घटना को घटे हुए? जी, 19 दिन हो गए जी। तो 19 दिन में जो भी आपने लिखी शिकायत की थी, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? जी, कोई कार्रवाई नहीं की है, उन लोगों ने पैसे खा लिए हैं। सीओ साहब से हम बात भी करते हैं, वो हमसे ये कहते हैं, आपका भी मतलब नाम है तो आप भी पकड़े जाएंगे। हमने कहा, हमारे पिताजी का कत्ल हो गया, फिर भी हम पकड़े जाएंगे, उल्टे जवाब मिल रहे हैं उधर से, हमारी कोई सहायता नहीं की जा रही। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, जो लोगों ने हमारे को ये अंजाम दिया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो आपको जब वो आपके घर पर आए, तो क्या आपको उन्होंने गालियां वालियां भी दी? जी, गालियां दी, सारे हाथ, सबके हाथों में डंडे थे, कहने लगे लिख लो, काफ़ी टाइम से धमकी दे रहे थे वो, के सालों कत्ल कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, मतलब उन्हीं ने अंजाम फिर हमें कत्ल पे पहुंचा दिया। सर, 23 जून के लिए दौलतपुर गांव में एक घटना घटित हुई थी मारपीट की, दलित प्रधान पर भी दबंगों ने कुछ घटना इस तरह से प्रकाश में, उसमें सर पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर रही है? घटना के संबंध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है, विवेचना जारी थी, इसी बीच में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसमें सुसंगत धाराओं को बढ़ा दिया गया है, 304 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, अभियुक्तों के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और उस पर कठोर कार्रवाई।